जय हिंद फ्रेंड्स, ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हैट्रिक, जिसमें हम बात करते हैं देश और दुनिया से क्रिकेट से जुड़ी तीन बड़ी खबरों पर। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल को लेकर। आईपीएल पर क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्या नए अपडेट्स हैं? आईपीएल फ्रेंचाइज काफी नाराज है बीसीसीआई से इस बात को लेकर कि उन्हें जरा भी भनक नहीं है कि आईपीएल पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। आईपीएल को लेकर बड़े डिसीजंस का पता उन्हें सिर्फ खबरों से ही लगता है। आईपीएल फ्रेंचाइज की इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को साथ लेकर आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ 1 अगस्त को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाला है। इस मीटिंग में काफी बड़े फैसले लिए जाएंगे और हो सकता है कि इस मीटिंग से पहले सरकार की तरफ से भी आईपीएल को लेकर मंजूरी मिल जाए। इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, हम सेम डे बात करेंगे। न्यूजीलैंड के तेज खतरनाक गेंदबाज लोकी फर्गुसन ने रोहित शर्मा को लेकर काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दुनिया के 4 वे बैट्समैन बताए जिन्हें किसी भी फास्ट बॉलर के लिए फेस कर पाना सबसे कठिन होता है। रोहित शर्मा के साथ साथ इस लिस्ट में विराट कोहली, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ भी हैं। लेकिन रोहित शर्मा पर ज्यादा खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा बेहद चालाक बैट्समैन हैं। वे अपने शुरुआती ओवर्स में ऐसा लगने देते हैं जैसे कि सब कुछ गेंदबाज के कंट्रोल में है, और एक बार जब गेंदबाज उनके इस पैंतरे में फंस जाता है उसके बाद वे उसे अपना असली रूप दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी गेंदबाज के लिए ये सबसे सही वक्त है जिस समय वे रोहित शर्मा को आउट करने में सफल हो सकते हैं, उसके बाद रोहित शर्मा कभी हाथ नहीं आते। दोस्तों, अंतिम खबर पाकिस्तान से आई है और शोएब अख्तर से रिलेटेड है। शोएब अख्तर ने इस बार आईपीएल के बारे में कुछ नहीं कहा। शोएब अख्तर ने 5 अगस्त को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच को लेकर बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट यानी कि पीसीबी क्या कर रही है। उनसे जब पूछा गया कि 20 सदस्यीय स्क्वाड में से वे 11 खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें मौका मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये पूरी तरह से कप्तान और मैनेजमेंट पर ही निर्भर करता है। उन्हें तो ये भी नहीं समझ आता कि 20 खिलाड़ियों में से 22 फास्ट बॉलर क्यों हैं। जी हाँ, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि 20 में से 22 प्लेयर्स फास्ट गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में इतने सारे फास्ट गेंदबाजों का होना उनकी समझ से परे है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें। इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और जानेंगे 3 नई ताजा खबरें। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।